हेलो फ्रेंड्स नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में और आप आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूं मैं टीचिंग जॉब्स की और नॉन टीचिंग की भी नॉन टीचिंग जो सर्च कर रहे हैं जॉब्स उनके लिए भी आज मैं नौकरियां लेके आया हूँ ठीक है तो पहले हम टीचिंग जॉब्स की बात कर लेते हैं पीजी इंग्लिश पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की बात करूँ तो इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस केमिस्ट्री ये तीनों सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स चाहिए इसके अलावा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स इंग्लिश हिंदी ज्योग्राफी साइंस जिसमें फिजिक्स होनी चाहिए मैथमेटिक्स सोशल साइंस साइंस संस्कृत म्यूजिक फिज़िकल एजुकेशन टीचर लाइब्रेरियन स्पेशल एजुकेटर काउंसलर कंप्यूटर साइंस साइंस इन केमिस्ट्री डांस इन सब के लिए टी की वैकेंसीज ओपन हुई हैं इसके अलावा अब हम पी की बात करते हैं पीआरटी में इंग्लिश हिंदी मैथमेटिक्स ईवीएस, कंप्यूटर आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजिक, लाइब्रेरियन, काउंसलर, डांस, असिस्टेंट टीचर्स एंड जर्मन लैंग्वेज की पार्ट टाइम जॉब ये सारी पी के लिए जर्मन सिर्फ पार्ट टाइम है बाकी सारी की सारी कॉन्ट्रेक्चुअल है ये पी की जॉब है तो दोस्तों 32 वैकेंसीज आप लोगों के लिए यहाँ पे ओपन हुई है उसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आ चुकी हैं नॉन टीचिंग में आईटी सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है सुपरवाइजर चाहिए एडमिन ब्लॉक में इसके अलावा यूडीसी एलडीसी और ड्राइवर की भी रिक्वायरमेंट है तो अब हम कवर करते हैं कि क्या क्या इन वैकेंसीज के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं कैसे आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना है और ये कहाँ पे वैकेंसीज आई हुई हैं दोस्तों ये जो वैकेंसीज आई हैं मैं आप लोगों को आप साइट पे डायरेक्टली लेके ले जाऊंगा सबसे पहले और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कैसे यहाँ पे इन सभी जॉब्स को देख सकते हैं तो अभी जो साइट आप सा, आपके सामने ओपन होने होने वाली है दैट इज फॉर आर्मी पब्लिक स्कूल डेली कैंट तो दिल्ली कैंट में ये जॉब्स निकली हैं आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट में ये जॉब्स निकली हैं दोस्तों तो आप लोगों ने सबसे पहले गूगल uh, पे जाना है गूगल पे लिखना है आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट तो ये आपके सामने एक साइट ओपन हो करके आ जाएगी ठीक है अब आपने क्या करना है यहाँ पे कैसे पता लगे कि वैकेंसीज़ देखो अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग तरीके से अलग अलग जो अ, प्रेसिंग कोड होते हैं जहां से आपको पता लगता है कि जॉब्स कौन कौन सी हैं कहां कहां पे हैं तो यहां पे जो जॉब्स हैं आप लोगों को कहीं पे भी देखो ये नोटिफिकेशंस भी आ रही होगी यहाँ पे देख लेते हैं एक बार देखो चेक क्यू आर एंड एप्लीकेशन फॉर टीचिंग स्टाफ एंड एडमिन स्टाफ अंडर नोटिस टैब और चेक सिटी टी वन डेट शीट अंडर नोटिस तो ये ये स्टाफ के लिए है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं अदरवाइज यहाँ पे ये देखिए यहाँ वैकेंसीज हैं इस पर क्लिक किया आपने क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर के आ जाएगा अब

ओके okay. और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है पोस्ट पीजीटी के लिए तो 50 परसेंट फिफ्टी यू शुड हैव 50 परसेंट मार्क्स इन पीजी एज वेल एज 50 परसेंट मार्क्स इन बीएड एंड फॉर टीजीटी यू शुड हैव 50 परसेंट मिनिमम मार्क्स इन ग्रेजुएशन अगर आप लोगों के ग्रेजुएशन में 50 परसेंट से कम है तो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो उसमें अगर फिफ्टी है देन यू आर एलिजिबल ठीक है पी के लिए ग्रेजुएशन प्लस टू ईयर्स एल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद 50 परसेंट मार्क्स बी एड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं बी एड टीचर्स फॉर कंप्यूटर टीचर सिंपल इफ यू हैव इफ यू आर बी सी एर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस और बी ई और बी टेक इन कंप्यूटर साइंस और आई टी यू कैन अप्लाई अदरवाइज ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट विद ए लेवल कोर्स फ्रॉम डॉइक ओके ये तो हो गई कंप्यूटर टीचर्स के लिए अब एज की बात करें तो जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं जिनके पास एक साल का कम से कम एक्सपीरियंस है या पांच साल से नीचे है उनकी एज चालीस साल जिनके पास पांच साल से पिछले दस सालों में पांच साल का भी अगर एक्सपीरियंस है तो फिफ्टी सेवन अगर उनकी एज है ना तो वो अप, अप्लाई कर सकते हैं सैलरी लगभग आपको सेवन पे कमीशन ही मिलेगा Uh, जो आर्मी पब्लिक स्कूल के नॉर्म होते हैं अब लास्ट डेट जो अप्लाई करने की वो बता देता हूं दो अगस्त 2021 लास्ट डेट है और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हें बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए 24th ऑफ अगस्त को ओके okay? तो ये वैकेंसीज आ गई आप लोगों के लिए पीजीटीज पीजीटीज एंड पीआरटीज के लिए अब नॉन टीचिंग स्टाफ की बात कर लेते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ में आ, लेकिन एक तरीका आपको बताऊं कि कैसे आपने अप्लाई करना है बस पूरा वीडियो जरूर देखिएगा आईटी सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है आईटी सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है इसके अलावा सुपरवाइजर एडमिन में जो रिटायर्ड जेसीओ और ऑनरे लेफ्टिनेंट या कैप्टन है वो अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा यूडीसी यूडीसी में रिक्वायरमेंट है बीकॉम होने चाहिए आप या फिर 15 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्विस एज ए क्लर्क फॉर एक्स सर्विसमैन ठीक है एल में ग्रेजुएट या फिर टेन ईयर्स का एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होना चाहिए तो ग्रेजुएट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है जो मैट्रिकुलेट है और दस साल का एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए अब अप्लाई करना कैसे है ये लिंक यहाँ पे दिया हुआ है इस पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही आप एक नए पेज पे आ जाएंगे जहां से फिर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ऐसा ही लिंक आप लोगों को अः ऐसा ही लिंक आप लोगों को टीचिंग टीचिंग uh, पर भी मिल जाएगा टीचिंग पेज पे भी मिल जाएगा ये देखिए ये टीचिंग के लिए ओके okay, दोस्तों सो आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक, तक के लिए थैंक यू वेरी मच